तो पिछली वीडियो मेरी आप लोगों ने देखी होगी, तो वहां मैंने क्लाउड सिमुलेशन समझाई थी। जिसको नहीं पता वो पूरी एक लॉन्ग वीडियो, जिसमें क्लाउड से रिलेटेड, चाहे आपने फ्लैग या कोई भी चीज है उससे रिलेटेड मैंने समझाया। FSPY में मैंने ड्राइंग जो है उसकी डिमेंशन निकाल के लाया हूँ डॉक्टर में से। उसके बाद अब मैं ये अभी मैंने इस पर कलर करना है। सबसे पहले तो मैं इसको कर रहा हूँ हाइड, बैक को जीरो दबा के मैं कैमरा व्यू में चला जाता हूँ। ये मेरे पास है सेकंड रेंडर इंजन पर इसका आएगा साहब, और मैं इसको पकड़ के शेडिंग में चला जाता हूँ। या मैं एक न्यू नोड लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल स्पेस बार इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, और प्रिंसिपल BSDF को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। तो मेरे पास नोड्स आ गए हैं जो टेक्सचर से रिलेटेड हैं। ज़्यादा मैं लंबी वजाहत में नहीं जाऊँगा। अभी इसी पर मैं टेक्सचर अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ मैंने एक पिक रखी हुई है इमेज बना के। कोई भी इमेज मैं अपनी मर्जी का भी लगा सकता हूँ। चलो ये लगाते हैं उस्मान मैन का। ये आपको भी ऊपर नजर आ रहा होगा, ये उल्टा आ गया। इसको सीधा करने के लिए या तो आप चले जाएं यूवी डेटिंग में, या आपके पास है ये दबाएं R180। अब अगर हम लेआउट में चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा इमेज है। नीचे जो आपको शेडोज नजर आ रहा है उसको मैंने शेडो कैप्चर ऑन किया। अगर शेडो कैप्चर में ऑफ करता हूं तो आप देख सकते हो, ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। अगर इसको मैं ऑफ करता हूं तो इसकी मदद से, हाँ एक हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं ये उल्टी समझ से इमेज नजर आ रहा है, एक नहीं दो प्रॉब्लम हमारे साथ, इनको भी सॉल्व करना है। काफी लोगों की अब डिमांड है कि मैं उनको, अच्छा इसको हमने करना है, तो उसके लिए मैं नोड बड़ा कर रहा हूँ। ए रोटेशन रोटेशन, अगर मैं इसको करता हूँ 180, अब ये सीधा हो गया। ठीक है 180 का ये सीधा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ पीछे भी बैक पर भी वो आता है, तो बैक पर इमेज आना ही आना, क्योंकि ये ब्रीक सा इमेज है। उसके लिए मैं प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देता हूँ, इन नोड को सेलेक्ट करता हूँ Shift D, और मैं करता हूँ इनको कॉपी। याद रहे मैं तकरीबन कई दफा आपको बता चुका हूँ। अभी मैं एक नया नोड लेता हूँ, मिक्स मिक्स शेडर। ओके मिक्स शेडर लेने के बाद ऊपर वाले से मैं इमेज खत्म कर देता हूँ, और यहाँ जाके मैं इमेज को बैक के लिए कुछ ले लेता हूँ। बैक के लिए मैंने एक इमेज रखा है, चलो ये ले लेते हैं बोरा टाइप इमेज है। अब ऊपर वाले को मैं नीचे शेडर से क्लिक कर रहे हैं, नोड को लगा रहा हूँ, इस नोड को इससे सेलेक्ट कर और इसको इससे सरफेस से। अभी देखता हूँ रिजल्ट मेरे सामने, लेकिन वो बोरा सा पीछे भरा वो भी नजर आ रहा है, तो मैंने उससे जान छुड़ानी है। तो उसके लिए मुझे ज्योमेट्री नोड, छोटा सा सॉफ्टवेयर, लेकिन याद रहे कि ये इंडस्ट्री बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है यूडेमी, उसके नोड भी इसके अंदर है। कि अब ज्योमेट्री नोड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास है बैक फेसिंग, और इसको मैं जैसे ही फेस से सेलेक्ट करता हूँ मेरा मसला हल हो जाता है। देखिए कितना ही नीड हो गया। अब पीछे वाले को मैंने पकड़ा, और यहाँ जाके मैं इसको विजिबिलिटी में जाके, हाँ शेडो कैचर तो पहले ही ऑन था, सॉरी मैं किसी और व्यू में था, तो ये हो गया। ये मेरे पास सूरत हाल बनी है। अगर आप इस पर ग्रिप कर लेते हो तो मेरा वादा है इंशाल्लाह कि आप लोग, मैं आपको बहुत जल्दी माया में
और जस्टी बेस डॉक्टर की तरफ इंशाल्लाह ले जाऊंगा, तो कमेंट भी कर दिया करो। और इसके अलावा मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है उनमें भी जो भाई एडमिशन लेना चाहे